मधुबनी जिले के सदर एसडीपीओ कार्यालय प्रकोष्ठ में शुक्रवार को डीएसपी राजीव कुमार की अध्यक्षता में सदर अनुमंडल के सभी थाना अध्यक्षों की मासिक अपराध समीक्षा बैठक आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने, अपराध नियंत्रण पर फोकस करने, लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी लाने, रोको टोको अभियान चलाकर तस्करों और आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजने, महीनों में दो बार थाना परिसर में गुंडा परेड का आयोजन करने, जनता दरबार से हुए आवेदनों का त्वरित निष्पादन करने, ससमय कांडों का प्रतिवेदन भेजने, नियमित रूप से केश डायरी संधारित करने, इश्तेहार चिपकाने के कार्यों में तेजी लाने, ससमय सुबह दीवार संध्या व रात्रि गश्ती निकालने एवं वाहन जांच करने सहित कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान डीएसपी श्री कुमार ने कहा कि अभी का समय त्योहारों का समय है, इसमें सभी थाना अध्यक्षों को विशेष रूप से सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। सभी थाना अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों में पैनी नजर बनाए रखें। सर, ये क्राइम मीटिंग जो बुलाई गई है किन किन बातों को लेकर के? ये हमारा मासिक जो है कि अपराध समीक्षा होती है, इसमें विशेष रूप से केसों का डिस्पोजल के बारे में चर्चा हुई है और जो है कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन इस त्यौहार के मौसम में कैसे बेहतर हो उसके निर्देश दिए जा रहे हैं कि गश्ती समय से की जा रही है और उस गश्ती को जो है मीटिंग जो है हम सर्किल अफसर उसको कर रहे हैं। शराब की जो है कभी पे जो भी जा रही है किया था और मुख्यतः जो है कि सारे जो पर्व त्यौहार हैं शांतिपूर्वक कैसे संपन्न हो इस पर निर्देश।